अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद हिम। आज की वीडियो के अंदर हम नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम ओड, इवन और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को डिस्कस करेंगे। सो, सबसे पहले ओड एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं। ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि टू पर डिवाइड नहीं हो सकते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते वो ओड नंबर्स कहलाते हैं। जिस तरह से 1, 3, 5, 7, इन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते। दूसरी तरफ इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड करवा सकते हैं, या जिनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 वगैरह। इस तरह के नंबर्स जिनको हम 2 पर डिवाइड करवा सकते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं, और जिन नंबर्स को हम 2 पर डिवाइड नहीं करवा सकते वो ओड नंबर्स कहलाते हैं। गौर कीजिएगा, हर इवन नंबर और हर ओड नंबर के दरमियान में 2 डिजिट्स का फासला होता है। नेक्स्ट, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की बात की जाए तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ 2 वैल्यूज़ पर डिवाइड हो सकते हैं। या तो वो खुद अपने आप को डिवाइड करवाते हैं, या 1 उनको डिवाइड करवाता है। जैसा कि हम जानते हैं, 1 तो हर नंबर को डिवाइड आसानी से करवा देता है, और वो नंबर खुद अपने आप को भी आसानी से डिवाइड करवा देता है। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 पर डिवाइड हो या अपने आप को खुद ही डिवाइड करवा सकते हो। दूसरी तरफ कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 और अपने आप के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हो। अगर एग्जाम्पल की मदद से समझें तो इस तरह 4 है। अब 4 को अगर हम 1 पर डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा, यानी कि ये 1 पर डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट, इसको अगर खुद 4 पर ही डिवाइड करवाएं तब भी हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी इसका मतलब है ये कि ये अपने आप पर भी डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट, अगर इसको हम किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड करवाने की कोशिश करें तो ये उस पर भी डिवाइड होता है, 2 पर डिवाइड होता है। 4 को 2 पर डिवाइड करवाएं तो आंसर 2 आता है। इसका मतलब है कि 4 1 अपने आप के अलावा भी किसी एक तीसरे नंबर पर डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। दूसरी तरफ अगर प्राइम नंबर्स की एग्जांपल की तरफ गौर किया जाए तो प्राइम नंबर हमारे पास 3 एक प्राइम नंबर है। अब 3 1 पर डिवाइड होता है, 3 हमारे पास जो है अपने आप पर भी डिवाइड होता है, लेकिन इसके अलावा वो किसी तीसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का डिफरेंस समझ आ गया होगा, और आप इवन नंबर्स और ओड नंबर्स का डिफरेंस भी समझ गए होंगे। समराइज करते हैं आज की वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा। आज की वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते, इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं, 1 और वो खुद, और कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि उन 2 पॉसिबल डिवाइजर्स से ज़्यादा पॉसिबल डिवाइजर्स होते हैं। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।